हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2004 में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। एक बारी पूरी स्टेटमेंट देखो। आपको कहा है हाउ मैनी 8-bit कैरेक्टर्स कैन बी ट्रांसमिटेड पर सेकंड ओवर अ 9600 बॉड सीरियल कम्युनिकेशन लिंक यूजिंग एसिंक्रोनस मोड ऑफ ट्रांसमिशन विद 1 start bit, 8 data bits, 2 stop bits एंड 1 parity bit। ओके, तो आपने बताना है हर सेकंड में कितने कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो पाएंगे अगर सीरियल कम्युनिकेशन 9600 बॉड पर हो रहा है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए 9600 बॉड का मतलब 9600 बिट्स पर सेकंड होगा, क्योंकि यहां पे सीरियल कम्युनिकेशन यूज हो रही है। सीरियल पोर्ट्स में हर एक सिंबल या हर एक वोल्टेज लेवल से हम 1 bit रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, लेट मी एक्सप्लेन। बॉड का मतलब क्या होता है? बॉड का मतलब होता है हम हर सेकंड में कितने सिग्नलिंग इवेंट्स कर रहे हैं या कितने सिंबल्स ट्रांसफर कर रहे हैं। देखो, डिजिटल कम्युनिकेशन में एक सिग्नलिंग इवेंट होगा हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, ऐसे। तो यहां पे वोल्टेज हाई है, फिर लो है, फिर हाई है, फिर काफी लंबे टाइम के लिए वोल्टेज लो रह रही है। इन्हें हम सिग्नलिंग इवेंट कहते हैं या एक सिंबल कहते हैं। दिस इज अ सिंबल एंड दिस इज अ सिंबल। हम हर सेकंड में ऐसे 9600 सिंबल्स भेज सकते हैं। 9600 बॉड का यही मतलब है। अब सीरियल पोर्ट्स में जो कम्युनिकेशन होती है उसमें हर सिंबल 1 bit को रिप्रेजेंट कर पाता है, यानी कि ये 1 हो सकता है यहां पे 0, फिर 1, फिर 0 0 0 1 0 1 1, ऐसा कुछ डाटा होगा। समझने वाली बात ये है कि 9600 बॉड का मतलब हुआ 9600 बिट्स पर सेकंड। ओके, क्या ऐसा हो सकता है कि बॉड रेट बिट रेट के इक्वल नहीं है? यानी कि यहां पे 9600 बॉड तो हो बट 9600 बिट्स पर सेकंड ना हो। बिल्कुल हो सकता है, बट वो सीरियल कम्युनिकेशन में नहीं होगा। जैसे मान लो आप डिफरेंशियल मैनचेस्टर या मैनचेस्टर इनकोडिंग यूज कर रहे हो, उस केस में 2 सिंबल्स भेज के हम 1 ही bit ट्रांसफर कर पाते हैं, तो बिट रेट आधा हो जाएगा। यानी कि मैनचेस्टर इनकोडिंग या डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग में 9600 बॉड के लिए जो बिट रेट आएगा वो होगा 4800। ओके, इसका आधा। एनीवेज, यहां पे हमें कोई सिंक्रोनाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि ये कंटिन्यूअस जीरोस हैं, तो इसमें जीरोस कितनी होंगी वो इसकी लेंथ के हिसाब से पता किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम 8 bit का डाटा ही भेज रहे हैं स्टार्ट और स्टॉप बिट के बीच में। क्योंकि हम स्टार्ट और स्टॉप बिट्स भेज रहे हैं तो डेटा सिंक्रोनाइजेशन कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए हर सिंबल 1 bit ट्रांसफर कर पा रहा है। ओके, अब देखो, उन्होंने कहा है कि 8 bits के डेटा के लिए 1 2 3 4 एक्स्ट्रा बिट्स जा रही हैं, यानी कि 8 bit का एक कैरेक्टर ट्रांसफर करने के लिए 8 + 4 = 12 bits लग रही हैं। तो हर कैरेक्टर 12 bits में ट्रांसफर होगा। हम हर सेकंड में 9600 बिट्स ट्रांसफर कर पा रहे हैं, तो कैरेक्टर्स कितने होंगे? 9600 by 12, यानी कि 800। तो हर सेकंड में अगर 9600 बिट्स ट्रांसफर हो रही हैं, कैरेक्टर्स होंगे 800। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, शायद बी था, ऑप्शन बी 800। हम हर सेकंड में 800 कैरेक्टर्स ट्रांसफर कर पाएंगे। ओके,